16 इकोनॉमिक्स क्लास 11 का क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं, जो वीडियो से कर रहे हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा भाई, पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। ग्रुप ए में आपको 10 क्वेश्चन रहेगा, देख ही पा रहे हैं, आइए देखते हैं। पहला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम। कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम का कौन सा फीचर्स नहीं है? करेक्ट आंसर सी, इंपॉर्टेंस ऑफ सोशल वेलफेयर। समाज को लेकर वहाँ कुछ नहीं सोचा जाता है, समझे? चलो, क्योंकि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, पैसा को लेकर सोचा जाता है। दो नंबर, डैश कैन रिमूव इनकम इनइक्वालिटी इन द सोसाइटी। इसमें से कौन सा टैक्स इनकम इनइक्वालिटी को खत्म करेगा? प्रोग्रेसिव टैक्स। कौन सा टैक्स? जैसे मान लो हम 10,000 कमा रहे और ये भाई साहब कमा रहे 50,000, तो इनसे रुको, इनसे टैक्स ले लेते हैं 10%। 10% क्या ले लेते हैं? तो 50,000 का 10% ले लिए तो कितना ले लिए? 5,000। तो इनका इनकम 45,000, और मेरा 10,000 है तो मेरा बाप है, मेरे पे कोई टैक्स नहीं। तो पहले 10,000 से 50,000 का कंपेयर होता, मैंने बहुत खाई हो जाता। अभी 10,000 से कितना कंपेयर हो रहा? 45,000। कितना कंपेयर हो रहा? तो कम किया ना भाई, इसको कहते हैं प्रोग्रेसिव टैक्स। क्या कहते हैं? एग्जाम्पल दिए हैं, टैक्स अलग हिसाब से लगता है, एग्जाम्पल दिए। चलो, तीन नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ का इसमें से कौन सा स्रोत नहीं है भाई? कौन सा बोलो? पॉवर्टी। चलो, तरीका सी, गरीबी। गरीबी से इकोनॉमिक ग्रोथ होता है, बोलो? पॉवर्टी। पॉवर्टी माने गरीबी होता है। द स्टेज आफ्टर डिप्रेशन। डिप्रेशन के बाद क्या आता है भाई? डिप्रेशन के बाद क्या आता है बोलो? डिप्रेशन के बाद रिकवरी। डिप्रेशन के बाद, डिप्रेशन माने टेंशन में मियाद चल रहा है, तो रिकवर होंगे उसके बाद। चलो, छः नंबर, वन इंस्ट्रूमेंट ऑफ सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल कौन सा है इसमें से? रेगुलेशन ऑफ मार्जिन रिक्वायरमेंट। रेगुलेशन ऑफ, हाँ छूट गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोर्स ऑफ रेवेन्यू ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट किधर से कमाई करता है भाई? भैट। भैट अभी काम चलाओ, अभी तो GST हो गया भैट। चलो, सिक्स का भी। चलो, एफ सेवन नंबर, द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर इन पार्टनरशिप। पार्टनरशिप को खोलने के लिए कम से कम 2 लोग लगेंगे। सेवन का सी, द एवरेज फैक्टर कॉस्ट इक्वल टू मार्जिनल फैक्टर कॉस्ट व्हेन प्राइस फैक्टर इज। प्राइस फैक्टर क्या रहेगा भाई? फिक्स रहेगा। क्या रहेगा? उसके बाद देखो क्या है, उसके बाद देखो क्या है, द मोड ऑफ द नंबर। सबसे ज़्यादा बार क्या आया है? सबसे ज़्यादा बार देखो तो उसमें मैंने ज़्यादा बार 8 आया, देख रहे हो नंबर में। हाँ, द न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी कब आया था? 1991। नीचे, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न इकोनॉमिक्स प्रोडक्शन मीन्स टू क्रिएट्स क्या? यूटिलिटी। प्रोडक्शन ये लिखवाए थे, द एक्ट ऑफ मेकिंग गुड्स एंड सर्विसेज इज कॉल्ड प्रोडक्शन। प्रोडक्शन क्रिएट्स यूटिलिटी। प्रोडक्शन क्रिएट्स, प्रोडक्शन इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, लिखवाए थे ना। चलो, द प्रोड्यूस मीन द प्रोडक्शन इज कॉल्ड, सब पहला चैप्टर में लिखाया हुआ है। इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ मेंशन द प्राइस प्रॉफिट प्रोसेस एज इनविजिबल हैंड। फॉल्स। मार्केट डज नॉट एग्जिस्ट फॉर कौन द गुड्स भाई? सोशल गुड्स। कौन द गुड्स? द टैक्स विच इज इम्पोज टू इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। पोल्यूशन को बचाने के लिए, इन्वायरमेंट में पोल्यूशन को बचाने के लिए जो टैक्स लगाते हैं उसे पोल्यूशन टैक्स कहते हैं। टैक्स आर ऑफ कौन सा टाइप्स भाई? कितना टाइप्स? देखो ध्यान से, टैक्स आर ऑफ टू टाइप, डायरेक्ट एंड रिग्रेसिव। नहीं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट और, क्वेश्चन देखो ना अपनी। फॉल्स। ई नंबर देखो, ऑल द अकाउंट्स ऑफ इंटरनेशनल। ई नंबर है, देख पा रहे हैं क्वेश्चन ना आप? देख पा रहे हैं कहाँ पे? देखो तो क्वेश्चन ठीक से देख रहा। चलो, ऑल द अकाउंट्स ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आर मेंटेन इन टर्म्स ऑफ करेंसी नेम्ड एज। क्या बोलते हैं? SDR। क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। फंड को क्या चीज़ के फॉर्म में रखते हैं भाई? SDR, स्पेशल ड्रॉइंग राइट। स्पेशल ड्रॉइंग राइट, SDR। डैश एक्ट एज ए स्टोर ऑफ मनी। क्या चीज़? मनी, 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 मनी के द्वारा अपने धन को इकट्ठा कर सकते हैं। उसके बाद क्या है भाई? वन डिसएडवांटेज ऑफ ज्वाइंट स्टॉक कंपनी इज द लार्ज स्केल प्रोडक्शन कैन नॉट बी ऑर्गेनाइज। है ज्वाइंट स्टॉक में लार्ज स्केल में प्रोडक्शन होता है, डिसएडवांटेज है। नहीं, फॉल्स है। उसके बाद देखो, वन ऑफ द सोर्सेज ऑफ कैपिटल ऑफ, वो तो हो ही गया ना। नहीं नहीं, वन ऑफ द सोर्सेज ऑफ कैपिटल ऑफ ज्वाइंट स्टॉक कंपनी मनी कलेक्टेड बाई सेलिंग शेयर है। ज्वाइंट स्टॉक कंपनी शेयर बेचकर रुपया लाता है। यस, ट्रू है। इन स्टैटिस्टिक्स ग्राफ इकोनॉमिक्स ऑफ टू एक्सिस। दो एक्सिस होता है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। नहीं होता है, देखो ये है हॉरिजॉन्टल, देखो ये है वर्टिकल और ये हॉरिजॉन्टल। दुए को तो ग्राफ होता है, वर्टिकल खा रहा है तो वर्टिकल सो गए हॉरिजॉन्टल। नहीं समझा? देखो ये है वर्टिकल,
ये हॉरिजॉन्टल, ये है वर्टिकल और ये है हॉरिजॉन्टल। अरे हॉरिजॉन्टल मैंने सो गए हॉरिजॉन्टल, खा रहे हैं तो वर्टिकल, ठीक है चलो ठीक है। चलो मेंशन वन नेम ऑफ पब्लिक सेक्टर कॉरपोरेशन, पब्लिक सेक्टर कॉरपोरेशन का नाम बताना, डीबीसी, दामोदर वैली कॉरपोरेशन, स्टेटूटरी कॉरपोरेशन, समझे। चलो वार डी मी में कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेस, अभी बताया हम लोग ना, जो सबके लिए है, पब्लिक पार्क, समझे, रोड पे सब खड़ा हो सकता है, गरीब भी खड़ा हो सकता है। गरीब को काहे बोलेगा काहे खड़ा है, तुमको बोलेगा तुम काहे खड़ा है, समझा। कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स है, तुमको तुरंत पूछेगा वो। आप राइट, अरे बात नहीं, राइट एडवांटेज ऑफ मार्केट इकोनॉमी, मार्केट इकोनॉमी माने कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, मार्केट माने, तो क्या रहेगा भाई, प्राइवेट प्रॉपर्टी, प्राइवेट फ्रीडम ऑफ इंटरप्राइज, प्राइज मैकेनिज्म, प्राइज। उसके बाद देखो व्हाट इज शॉर्ट रन सप्लाई कर्व, शॉर्ट रन सप्लाई कर्व क्या होता है, शॉर्ट रन के लिए जब सप्लाई करेंगे उसे शॉर्ट रन सप्लाई कर्व कहते हैं। कर्व कैसे बनाओगे भाई, ऐसे अभी बताए थे ना, ऐसे देख रहे हो, ऐसे देख रहे हो, देख रहे हो, नीचे ये पार नहीं करना चाहिए, पार नहीं करना चाहिए, समझे। चलो आगे बढ़ते, उसके बाद क्या है देखो, राइट टू फीचर्स ऑफ कोऑपरेटिव, कोऑपरेटिव मैंने सहकारिता, इट्स अ वॉलंटरी एसोसिएशन, इट्स अ वॉलंटरी, वन मेंबर वन वोट, वन मेंबर सेपरेटिकल एंटिटी, परपिचुअल सक्सेशन, कॉमन सिल, समझ पा रहे, पॉलिटिकल एंड रिलीजियस न्यूट्रलिटी, पॉलिटिकल एंड रिलीजियस न्यूट्रलिटी, प्रॉफिट शेयरिंग, प्रॉफिट, समझ रहे हैं, ये सारे के सारे उसका क्या पूछा, फीचर्स पूछा। व्हाट डू यू मीन बाय शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन फंक्शन है, शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन फंक्शन, इन द शॉर्ट टर्म सम फैक्टर्स आर फिक्स्ड एंड सम फैक्टर्स आर वेरिएबल इन नेचर, इन द शॉर्ट टर्म सम फैक्टर्स आर फिक्स्ड एंड सम फैक्टर्स आर वेरिएबल इन नेचर। शॉर्ट टर्म में उत्पादन के कुछ साधन स्थिर होता है, कुछ परिवर्तनशील होता है, इसे कहते हैं शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन फंक्शन, शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन। व्हाट इज मार्जिनल प्रोडक्ट, इट इज एडिशन टू द टोटल प्रोडक्ट व्हेन वन एक्स्ट्रा यूनिट विल बी प्रोड्यूस, एक भी एक्स्ट्रा यूनिट बनाओगे तो टोटल प्रोडक्ट बढ़ जाएगा, उसको कहते हैं मार्जिनल प्रोडक्ट। क्या कहते हैं हम लोग, राइट टू डिसएडवांटेज ऑफ मीडियन, मीडियन का दो को डिसएडवांटेज बताना, इट इज रिजिडली डिफाइंड, समझ पा रहे हैं नहीं समझ, इट इज समझ पा रहे, नॉट सो एक्यूरेट पोजिशन, नॉट सो एक्यूरेट, मीडियन बनाते हो तो एक्यूरेट पोजिशन को शो करता है, नॉट सो एक्यूरेट पोजिशन, समझ पा रहे, और क्या, इट इज रिजिडली डिफाइंड, नॉट सो एक्यूरेट पोजिशन, इट इज रिजिडली डिफाइंड। चलो वीडियो देख के लिख लेना, तीन चार बार बोले हैं, पॉज कर लेना लिख लेना, ओके, पॉज कर लेना और लिख लेना, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, राइट टू डिसएडवांटेज ऑफ मीडियन तो हो गया। व्हाट डू यू मीन बाय स्लोप अप, व्हाट डू यू मीन बाय स्लोप अप, कौन सा लाइन, स्ट्रेट लाइन, कौन सा लाइन का पूछा है रे बाबा, बेटा जो मन करा वही पूछ ले रहा है। सुना स्ट्रेट लाइन कैसा होता है, देखो ना भाई, अब पूछ लिया तो बताना पड़ेगा ना। देखो स्ट्रेट लाइन कैसा होता है, देख रहे हो, वर्टिकल फॉर्म में होगा, ये स्ट्रेट लाइन, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ जो मन करे वो बना देंगे, पगला कहीं का बीकॉम में है ये, मरेंगे बिल्डिंग बना देंगे। व्हाट इज मीन बाय ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज कौन बनाया था रे बाबा, यूनाइटेड नेशन, इट इज प्रिपेयर्ड बाय यूनाइटेड नेशन, मिनिमम वैल्यू जीरो, मैक्सिमम वैल्यू वन। कंपोनेंट क्या होता है, लॉन्गेविटी नॉलेज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लॉन्गेविटी नॉलेज स्टैंडर्ड ऑफ, समझ रहे हो, सुनते चलो, गुंगा भी रहेगा तो कुछ लिखेगा एग्जाम में। उसके बाद देखो मेंशन टू रीजन बिहाइंड द प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन इकोनॉमी, ए लो प्रोडक्टिविटी ऑफ, ए खेती का क्या लो प्रोडक्टिविटी हो रही है बताना है, पगला सुन रहा है, सुन रहा है क्या, सुन रहा है तू तो? समझो इंडियन एग्रीकल्चर में क्यों प्रोडक्टिविटी कम होते जा रहा है, पहले तो फार्मर्स आउटलुक, फार्मर्स के प्रति आउटलुक मेरा ठीक नहीं है, जनरल कॉजेज है, कौन सा कॉजेज, इंस्टीट्यूशनल कॉजेज, जनरल कॉजेज, इंस्टीट्यूशनल कॉजेज, लैक ऑफ कैपिटल, टेक्निकल कॉजेज, लैक ऑफ कैपिटल, टेक्निकल, पूंजी नहीं है, टेक्निकल कॉजेज है, सरकार पूंजी देता भी है तो लोग फिक्स डिपॉजिट कर देता है, समझे, खेती में नहीं लगाता, फिक्स कर देता, बोलता क्या फ़ायदा,
खेती में लगाने का दरकार नहीं है, घर का बीज डाल दो, पिछले साल का बीज। चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखो क्या भाई, राइट द नेम्स ऑफ मेजर इंडस्ट्री इन वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल का इंडस्ट्री का नाम बताना, लिखवाए थे ना रे बाबा, क्या था? जूट और कॉटन। जूट इंडस्ट्री और क्या था? आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। कंस्ट्रक्शन का तो बाहर है, समझे? कंपेयर द इकोनॉमी ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान ऑन द बेसिस ऑफ पर कैपिटा इनकम एंड इंटरेस्ट। दोनों में जीत जाएंगे, पाकिस्तानी लोग से काचिन में हारेंगे। बोला पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम में हम लोग आगे हैं पाकिस्तान से। लिटरेसी, पढ़ा लिखा में भी हम लोग आगे हैं। लिटरेसी माने पढ़ा लिखा, पढ़ा लिखा में भी इंडिया पाकिस्तान से कई गुना आगे है। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? किसका बात कर, लिटरेसी किसका, समझे? आओ नीचे आओ, ग्रुप डी। डिस्कस ब्रीफली द रीजन ऑफ डाउनवर्ड स्लोपिंग ऑफ डिमांड कर्व। डाउनवर्ड स्लोपिंग क्या होता है डिमांड कर्व रे बाबा? डिमांड कर्व का डाउनवर्ड स्लोपिंग क्या होता है भाई? प्राइस डिक्रीजेस, सप्लाई डिक्रीजेस, प्राइस कम, सप्लाई कम। डिफाइन कॉस्ट, कॉस्ट इज द अमाउंट ऑफ मनी, कॉस्ट इज द इनकट फॉर द प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज, इनकट फॉर द प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड। कॉस्ट का मतलब क्या होता है? ऐसा रुपया जो वस्तु और सेवा को बनाने के लिए खर्च किए उसको कॉस्ट कहते हैं। डिफरेंस बिटवीन फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट जो फिक्स रहेगा, आप उत्पादन करिए तब भी पैसा लगेगा, नहीं करिए। और वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है? उत्पादन करिएगा तो पैसा लगेगा, नहीं करिएगा नहीं लगेगा। फिक्स कॉस्ट का एग्जांपल है सैलरी और रेंट, सैलरी और रेंट। वेरिएबल कॉस्ट का एग्जांपल है रॉ मटेरियल, पावर, फ्यूल, गैस, इलेक्ट्रिसिटी। किसका एग्जांपल है? वेरिएबल कॉस्ट। तो फिक्स कॉस्ट इज इंडिपेंडेंट लेवल ऑफ आउटपुट, वेरिएबल कॉस्ट इज डिपेंडेंट लेवल ऑफ आउटपुट। फिक्स कॉस्ट नेवर बी जीरो, वेरिएबल कॉस्ट कैन बी जीरो। एग्जांपल ऑफ फिक्स कॉस्ट क्या होता है भाई? सैलरी रेंट, सैलरी। वेरिएबल कॉस्ट का एग्जांपल कैसा होता है? रॉ मटेरियल, पावर, फ्यूल, गैस, इलेक्ट्रिसिटी। फिक्स कॉस्ट का कर्व होगा हॉरिजॉन्टल टू एक्स एक्सिस, वेरिएबल कॉस्ट का कर्व होगा इनवर्टेड एस, इनवर्टेड। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या भाई? व्हाट डू मीन पर कैपिटा इनकम? पर कैपिटा इनकम मींस पर हेड इनकम, टोटल नेशनल इनकम डिवाइडेड बाई टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। फिर क्या पूछा गया भाई? ब्रीफली डिस्कस द पर कैपिटा इनकम इन इकोनॉमी। व्हाट इज इंडेक्स नंबर? इंडेक्स नंबर के जरिए क्या चीज़ को माप करते हैं? महंगाई को, समझे? क्या चेंजेज हुआ? प्रॉब्लम क्या होता है भाई? सिलेक्शन ऑफ बेस ईयर, सिलेक्शन ऑफ कमोडिटी, सिलेक्शन ऑफ वेट, ये सब दिक्कत होता है। व्हाट इज फ्री ट्रेड? फ्री ट्रेड माने दो देश का गवर्नमेंट अपने रेस्ट्रिक्शन को हटा देगा, उसको फ्री ट्रेड कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? डीमेरिट्स भी लिखवाए थे, फ्री ट्रेड होगा तो कॉलोनिज्म हो जाएगा, माने उसका साम्राज्यवाद हो जाएगा, समझे? डिपेंड हो जाएंगे उसका ऊपर, डीमेरिट्स लिखवाया गया था। ड्रॉ पाई डायग्राम, पाई डायग्राम भी पढ़ाया गया था। नीचे अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक मीन भी पढ़ाया गया था। डिस्कस द नेचर ऑफ सेक्टरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम। सेक्टरल डिस्ट्रीब्यूशन तीन तरीका का होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। प्राइमरी सेकेंडरी, प्राइमरी में जेनेटिक एक्सट्रैक्टिव, सेकेंडरी में मैन्युफैक्चर कंस्ट्रक्शन मैन्युफैक्चर, और टर्शियरी में बैंक, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट, वेयर हाउस, कम्युनिकेशन। चलो उसके बाद क्या भाई? क्या है? मेंशन द रीजन ऑफ इनकम इनइक्वालिटी इन इंडिया। ये भी भाई सिलेबस आउट ऑफ सिलेबस है। इनकम इनइक्वालिटी का कारण क्या है बोलो? अंडर एम्प्लॉयमेंट। कौन सा? अंडर एम्प्लॉयमेंट। समझ पा रहे? अनएम्प्लॉयमेंट, अंडर एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, इलिटरेसी, अंडर एम्प्लॉयमेंट। बोलते हैं ना, पढ़ा लिखा है बेटा कमाएगा, बुद्धि है, सोचने का शक्ति है, समझे? या कभी कभी कोई कोई पढ़ा लिखा से ज़्यादा कमा लेता है तो लोग बोलते गलती से पैसा आ गया है, उसका नेक्स्ट जनरेशन बेच के पी जाएगा। तो हमको सोचने का शक्ति नहीं है, सोचने का शक्ति गलत में कुछ लोग बस गलती, समाज में कुछ लोग बस गलती से पैसा आ जाता है, तो गलती से पैसा आएगा उसका नेक्स्ट जनरेशन ख़त्म कर देगा उसको तुरंत, समझे? किसका बात कर रहे भाई? इनकम इनइक्वालिटी किसका, समझे? क्या बोले कि नहीं समझे? तो पहला क्या रे बाबा? पहला क्या? अनएम्प्लॉयमेंट, अंडर एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट और अंडर, पकड़ा, सुन रहा है? अनएम्प्लॉयमेंट, अंडर एम्प्लॉयमेंट, इलिटरेसी, पुबर्टी, इलिटरेसी। समझ पा रहे कि नहीं? सर, इंडस्ट्रियल सिकनेस, इंडस्ट्री बीमार रहता है, इंडस्ट्रियल सिकनेस सब कारण है। ये सब आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है? टच करते ही मार्क्स मिलेगा। चलो वाटर स्मॉल इंडस्ट्री, छोटा व्यापारी को कहते हैं स्मॉल इंडस्ट्री। इंपॉर्टेंस बताना, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, समझ पा रहे? बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट, बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट। फिर क्या भाई नीचे? व्हाट डू मीन ग्रीन रिवॉल्यूशन? हरित क्रांति, हरित क्रांति इंदिरा गांधी ने लॉन्च किया था भाई। क्या बोला था? यूज HYB सेट्स, यूज पेस्टिसाइड्स, यूज फर्टिलाइजर,
यूज और क्या प्रॉपर इरीगेशन, यूज मॉडर्न टेक्नोलॉजी, यूज कौन सा टेक्नोलॉजी, ये सब लिखना है। यूज HYB सीड्स, प्रॉपर इरीगेशन, यूज पेस्टिसाइड्स, यूज फर्टिलाइजर, यूज मॉडर्न टेक्नोलॉजी। किसका बात कर रहे भाई, ग्रीन रेवोल्यूशन किसका, डिस्कस द रोल ऑफ एग्रीकल्चर इन इकोनॉमी है, काम बताना एग्रीकल्चर काम क्या, शेयर इन एग्रीकल्चर इन नेशनल इनकम, शेयर इन एग्रीकल्चर इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, शेयर इन एग्रीकल्चर इन एम्प्लॉयमेंट। समझ पा रहे हैं, तो ये सारे के सारे क्या रोल है, क्या है भाई रोल है। ओके समझ गए हैं।